तो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया के टॉप 7 डीजल वेरिएंट्स की कारें जो सबसे ज़्यादा माइलेज देती हो, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी देती हो और बहुत लोगों को पता है ये कारों के बारे में। तो कृपया वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक ज़रूर करना। और भाई लोग ये अपना दुकान है, तो चलिए इंट्रो रोल करते हैं और वीडियो शुरू। नंबर 7 पे आती है फोर्ड एस्पायर। ये कॉम्पैक्ट सेडान है जो कि 4 वेरिएंट्स और 5 कलर्स में अवेलेबल है। पेट्रोल में 2 वेरिएंट्स और डीजल में 2 वेरिएंट्स और ये गाड़ी एक शोरूम पड़ जाती है 7.28 लाख से लेके 8.73 लाख तक। और ये गाड़ी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती है और ये गाड़ी का माइलेज है 24.4 डीजल वेरियंट में, जो कि काफ़ी तगड़ा माइलेज है। 24 की माइलेज भाई ठीक ठाक है। नंबर 6 पर आती है टाटा अल्ट्रोज। ये एक प्योर हैचबैक है और ये कार टोटल 31 वेरिएंट्स और 3 कलर्स में ही अवेलेबल है। ये गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड तक जा सकती है। पेट्रोल में ये कार में 22 वेरिएंट्स और डीजल में 9 वेरिएंट्स आ जाते हैं और ये कार एक शोरूम पड़ जाती है 6 लाख से लेकर 10 लाख तक और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है। और ये गाड़ी 23.3 तक का माइलेज दे देती है डीजल वेरियंट में। नंबर 5 पर आती है मेरी पर्सनल फेवरेट कार, जो कि है Hyundai i20। ये एक प्योर हैचबैक है और ये फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है। ये गाड़ी टोटल 21 वेरिएंट्स और 6 कलर्स में अवेलेबल है और ये कार एक शोरूम पड़ जाती है 7 लाख से लेके 11.5 लाख तक। नंबर 4 पर आती है Hyundai Verna, जो कि एक बहुत पॉपुलर सेडान है। ये कार को क्रूज कार भी कहा जाता है और ये कार टोटल 12 वेरियंट्स और 6 कलर में अवेलेबल है और ये कार सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती है और ये गाड़ी एक शोरूम पड़ जाती है 9.5 लाख से लेके 15.5 लाख तक। और ये गाड़ी माइलेज दे देती है 21.3 तक का, जो कि ये गाड़ी के लिए बहुत परफेक्ट माइलेज है मेरे हिसाब से। नंबर 3 पर आती है Hyundai Grand i10 Nios। ये एक बहुत पॉपुलर हैचबैक है और ये कार पेट्रोल में, सीएनजी में और डीजल में तीनों वेरिएंट्स में आती है और तीनों मिला के टोटल 16 वेरिएंट्स और 5 कलर्स में अवेलेबल है। ये गाड़ी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और ये गाड़ी एक शोरूम पड़ जाती है 5.5 लाख से लेके 8.5 लाख तक और माइलेज दे देती है 25 किलोमीटर पर लीटर का और 25 से लेके 28 किलोमीटर का माइलेज दे देती है ये गाड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नंबर 2 पर आती है Hyundai Aura। ये एक बहुत पॉपुलर सेडान कार है और ये मेरे भाई की फेवरेट कार भी है, जो कि अवेलेबल है टोटल 12 वेरिएंट्स और 5 कलर्स में और ये कार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तीनों वेरिएंट्स में मिल जाती है और इसकी एक शोरूम प्राइस है 6 लाख से लेके 9.5 लाख तक और ये गाड़ी माइलेज देती है 25 किलोमीटर पर लीटर का। नंबर 1 पर आती है होंडा अमेज, जो कि ट्रेंडिंग में चलने वाली और बहुत लोगों की पसंदीदा सेडान में से एक है। ये गाड़ी और पेट्रोल और डीजल मिला के टोटल 9 वेरिएंट्स और 5 कलर्स में आ जाती है और ये गाड़ी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है और ये गाड़ी एक शोरूम पड़ जाती है 6.5 लाख से लेके 11.5 लाख तक और ये गाड़ी माइलेज देती है 22 किलोमीटर पर लीटर तक का, जो कि ये गाड़ी के लिए परफेक्ट है मेरे हिसाब से।